हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं बहुत ज्यादा क्रीमी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल डेलकन कॉफी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। कॉफी बनाने के लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आपको लेना है 2 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून वाटर एंड 2 टेबल स्पून कॉफी। मैंने ब्रू की कॉफी यूज करी है। आप अपनी पसंद की कोई भी कॉफी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गए सारे इंग्रेडिएंट्स। अब आपको लेना है एक बड़ा बोल जिसके अंदर आपको डाल देनी है 2 टेबल स्पून कॉफी। और जब आप ये कॉफी डाल दें तो आप इसी के ऊपर ही डाल देंगे 2 टेबल स्पून चीनी मतलब शुगर। और चीनी डालने के बाद आपको लेना है गर्म पानी मतलब हॉट वाटर डालते हैं आप। और आप हल्के हल्के इसे स्पून से या फिर किसी भी चीज़ से फेंट लें। जब आप थोड़ा सा मिला लें, मिलाने के बाद मैं इसे इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से विस्क कर रही हूँ। आप चाहे तो विस्कर यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पून यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप विस्कर या स्पून यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक ही डायरेक्शन में उसे फेंकते रहना है। आपको 10 से 11 मिनट लग सकते हैं अगर आप विस्कर या स्पून यूज करेंगे। मैं इसमें इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज कर रही हूँ तो मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। और आपको इसे तब तक फेंकते रहना है जब तक आपका ये पूरा का पूरा मटेरियल गोल्डन ब्राउन या फिर बहुत ज्यादा क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए, तब तक आप इसे फेंकते रहें। जैसे कि अब आप वीडियो में देख सकते हैं, मेरा बैटर हल्के हल्के थिक हो रहा है और वो अपना कलर भी चेंज कर रहा है। अब आप देखिए कैसे वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो रहा है और मैं उसे अभी भी फेंट ही रही हूँ ताकि वो और ज़्यादा थिक हो जाए। अब बस मेरे को 5 मिनट होने वाले हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा थिक हो रहा है और कितना प्यारा एकदम सुनहरा गोल्डन ब्राउन लग रहा है। और ये देखिए मेरे बैटर की कंसिस्टेंसी आपको देख के पता चल रहा होगा। अब आपको लेनी है कुछ आइस क्यूब्स। जिस भी ग्लास में आप सर्व करेंगे आप उसमें आइस क्यूब्स डाल दें। मैंने भी आइस क्यूब्स डाल दी है। अब आइस क्यूब्स डालने के बाद मैंने लिया है 1 कप ठंडा दूध। और अगर आप ठंडा दूध नहीं लेना चाहते हैं तो आप गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। अब दूध डालने के बाद अब हम लेंगे कॉफ़ी क्रीम जो हमने तैयार की थी, उसे अच्छे से अपने ग्लास में डाल देंगे ऐसे। अब देख सकते हैं कि हमारी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है और कितनी टेस्टी और कितनी यमी लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।